हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल में। तो गाइज, आज मैं जा रहा हूँ लालकुआ। तो पिछली बार मैं गया था तो मेरे पास था बैग छोटा, इस बार मैं बड़ा बैग लेके जा रहा हूँ। तो इस बार जो है सामान काफ़ी लाना है, तो चलते हैं मार्केट। और मेरे साथ हैं जोगा भाई, तो उसे लेने ही मैं यहाँ आया हूँ। और हमारे जो ताई जी हैं तो यहाँ सेक रहे हैं आग। तो देखो, अपने उत्तराखंड में इतनी ठंड है। देखो, बकरियों को भी कपड़े पहना दिए हैं, बछिया है, गाय है, इस सभी को मतलब कपड़े पहना दिए हैं। और हमारे ताई जी यहाँ सेक रही आग। तो ये आग जो है दिन भर जले रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जानवरों के लिए चारा वारा बनाना सब कुछ चलता रहता है। तो ये है हमारे ताऊ जी का घर और हमारे बड़े भाई का घर ये है। ये है सामने रास्ता। तो गाइज, हम रेडी हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए। तो गाइज, मैं आ गया हूँ दुकान के अंदर। तो मुझे ढूंढना है उसका सो, तो उस मैचिंग का मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर मुझे कुछ और आइडिया लगाने पड़ेंगे। चलो इनको निकालने देते हैं। अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया। हाँ, गुड गुड, इस तरह का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ना वो सिंगल पत्ती था। तो भाई जी, मुझे मिल गया सेम टू सेम। अगर ये नहीं मिलता तो फिर दिक्कत हो जाती, फिर जो है दीवार पर और छेद करने पड़ते, तो शॉर्टकट में तो मेरा काम बन जाएगा। तो भाई जी, मैंने पर्दे भी ले लिए हैं और अब जो अपने पर्दों का कलर ये होने वाला है। तो भाई, मैं आ गया हूँ LIC में, तो छोटा सा काम है, कुछ भी कर लेते हैं। तो लालकुआ में आता हूँ ना, बहुत सारे काम होते हैं, इतने सारे काम की मत पूछो यार, बिजी लाइफ है। तो भाई, अपना काम हो गया है और LIC में, तो चलते हैं मंडी की तरफ। तो काम काफ़ी ज़्यादा है, तो शुक्र अपने साथ एक भाई है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जा रही है। तो भाई, अभी जो है मार्केट लगी नहीं है, तो अभी हो रहा 10:45, तो दुकानें खुल ही रही हैं। तो मैं जल्दी आ गया हूँ क्योंकि मुझे जाना है ड्यूटी भी, और ड्यूटी जाना है तो यार काम जो है टाइम से करने ही होंगे। तो ये देखो, अभी लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं। इच्छा है, हल्द्वानी है, तो मतलब 40 किलोमीटर के दायरे में लोग यहाँ पर आते हैं। तो मंडी लग रही है, तो यहाँ पर भी हो ही रहा है। तो हम शॉपिंग शुरू करते हैं। तो टमाटर यहाँ कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो फिलहाल भैया जो है कहीं से लेने गए हैं, तो वेट करना पड़ेगा। और फिलहाल देखो, इस तरह से यहाँ पर सब्जियाँ लेके आते हैं लोग और मंडी लगाते हैं। तो अपने यहाँ जो मार्केट है ये लगती है 12 बजे से, तो अभी तो स्टार्ट हो गई है वैसे तो, लेकिन जो है असली जो मार्केट है 12 से जो है करीबन 8-9 बजे तक चलती है। तो भाई, अपनी शॉपिंग हो गई है, बैग जो है करीबन 12-15 किलो हो गया है, तो चलने में भी दिक्कत आ रही है। तो कुछ सामान जो है बच्चों के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा, फिलहाल तो जैसे पॉपकॉर्न है, मूंगफली है, चीज़ तो लगी नहीं है, मुझे देखता हूँ कुछ मिल जाएगा। अरे हाँ, तो यहाँ पर मूंगफली लगी है, तो मूंगफली ले लेते हैं। तो भाई, अपनी शॉपिंग हो गई है और अभी जाना है, मैंने थोड़ा रास्ते में और भी काम है। तो यहाँ की शॉपिंग हो गई है और आज जो है मेरे लगभग सभी काम हो गए हैं, तो चलते हैं। तो भाई, मैं पहुँच गया हूँ अपने गांव में। 2 किलोमीटर की मार्केट है और हमें जो है फ्रूट तो लालकुआ नहीं मिले, तो लालकुआ फ्रूट नहीं मिले और हम जो है यहाँ से ले रहे हैं। चलो, ये काम भी पूरा हो गया। तो बच्चों का हो रहा शोरगुल, देखो तो इनका काफ़ी शोर हो रहा है, देखो TV के लिए। और अपना ही कोरियर भी आ गया, मेरा फेस मास्क मेरा कल आ गया था और ये जो है आज आ गया। तो ये है RO का जो है UV लाइट है, तो मैं इसे फिट करके दिखाता हूँ, क्योंकि हो गया रहा था ना उसका UV फिल्टर खराब हो गया है, तो मेम्ब्रेन खराब हो गया है, साथ में ये भी फूक गया है, ना जाने क्या वजह रही कि दोनों चीज़ खराब हो गई एक साथ। तो इसे फिट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे ठीक होगा। तो मैं काम ही कर रहा था कि बाहर थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, तो देख के आते शायद कोई जानवर आ गया है। तो मैं चल रहा फार्म की तरफ और शायद वहाँ कोई जानवर देखा गया है, तो काफ़ी शोरगुल हो रहा है, तो देखते हैं क्या हो गया है। तो काफ़ी हल्ला गुल्ला है, तो मैं तो काम ही कर रहा था। तो गाइस, यहाँ पर जो है सूअर पाए गए, तो थोड़ा हल्के फुल्के चोट है इनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ज़्यादा चोट नहीं है, ज़्यादा चोट तो नहीं है, ठीक हो। तो हमारे यहाँ पर जो है सूअर आते रहते हैं, सूअर है, हाथी है, शेर भालू, हर चीज़ आता है। तो यह है सीमेप सेंटर, तो हमारे घर के बगल पर ही है। तो ये अपनी ज़मीन इस तरफ अपना फार्म सरकार का है। तो ये अपना जो है यहाँ पर हम देखते रहते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो है जानवर तो आते रहते हैं, तो ये लोग जो है बाहर के आए हुए हैं, तो इन्हें मालूम नहीं है कि यहाँ पर किस तरह के जानवर हैं। तो ये लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, एक को चोट लगी है तो उसे घर भेज दिया गया है। तो यहाँ पर शेर, हाथी, भालू, ये आम बातें हैं, तो हमारे लिए तो रोज़ की बातें हैं ये। तो चलते हैं, तो काम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं। देखो, जानवरों का आतंक है, तो हमारी भी ये फसल, देखो यहाँ पर सूअर आते हैं तो नुकसान भी करते हैं। तो गाइस, ये है अपना RO, तो इसमें लगाना है मुझे जो है UV एलिमेंट,
तो इसे खोलना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं सुन रहा हूँ कि दोबारा से वहाँ पर सूंगर आ गए हैं, तो पहले जो है भगा दिए थे तो कुछ और मिल गए होंगे, तो झाड़ी है तो वहाँ पर मिलते रहते हैं सूंगर, तो शायद मेरे ख्याल से और आ गए हैं। ये है मूंगफली। तो इनके लिए जो है आज काफी चीज ले आया हूँ मैं। हाँ, तो इनके मनपसंद जो है आज कार्टून भी चल रहा है इसमें, तो ये है देखो कार्टून, ये देखो। तो योगी लैंप को लगाना सरल है, तो ये साइड से होती है इसकी लाइट और इस तरह से निकाल देते हैं, तो दोनों साइड से पिन निकलेंगी और जो है इधर से यूवी लाइट निकल जाएगी, थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। तो ये देखो इस साइड से इस तरह से निकलेगी, ये देखो ये इस तरह से ख़राब है, देखो एक तरफ से जल गई है। तो ये है अपनी नई वाली यूवी लाइट, तो ये मुझे मिली है 450 की 6, तो वैसे 4 बताया गया था अमेजोन पर, लेकिन ये जो है मुझे 6 मिल गई हैं, तो उसमें एक ख़राब भी थी, तो ये अच्छा रहा है कि उन्होंने एक मतलब बढ़ा के दी, तो एक ख़राब भी हो गई, तो मेरे जो है 4 काम की हैं, मतलब 5 काम की हैं, अगर कोई एक ख़राब और भी हो गया तो फिर भी 4 रह जाएंगी, तो मुझे कोई घाटा नहीं हुआ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो ले सकते हो। तो उसे मैं लगाता हूँ, बहुत सरल है। अगर मैं किसी मैकेनिक को बुलाता तो कम से कम 200 रुपया तो करीबन चार्ज लेता आने का, और साथ ही जो है बनवाने का, तो मतलब कुल लगे वो 400-500 रुपये लेता। साथ ही जो है ये यूवी लाइट जो है बहुत महंगी आती है मार्केट में, करीबन 200-300 के आसपास, तो मतलब 700-800 रुपये बैठ जाता, तो वहीं जो है 450 मेरे को 5 मिल गई हैं। तो फिट करते हैं, तो अभी लाइट गई हुई है, तो मुझे जो है इन्वर्टर से चलाना पड़ रहा है इसको। तो ये जो है चल चुका है, तो इसकी यूवी लाइट देखिए इस तरह की है, वो अंदर से चमक रहा है। तो इसे मैं जो है पूरा अंदर डाल दूंगा, क्योंकि इसकी लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए, और ये आंखों के लिए बहुत डेंजर होती है, बहुत ज़्यादा स्किन और आंखों के लिए। तो इस तरफ से नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा, देखो अपनी ये ट्यूबलाइट काम कर रही है। अब जो पानी का टेस्ट इंप्रूवमेंट हो जाएगा, इसकी मेम्ब्रेन भी ख़राब है तो TDS नहीं आ रहा सही से, तो 250-300 TDS है, तो कोई ज़्यादा ख़राब तो नहीं है फिलहाल जो है। हमारे यहाँ 400-500 के आसपास TDS रहता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मेम्ब्रेन लगाने की। तो इसका नेक्स्ट टाइम जो है मेम्ब्रेन और मोटर हटा दूंगा, तो मेरा बिजली का बिल भी बचेगा और जो है मेरा खर्चा भी कम हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करो। बाय बाय।